आमी अल्लाह हुम्मा आमीन। ईसा अलैहिस्सलाम का कौम ईसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, वाताना हुल इंजील, और दिया हमने उसको इंजील, इंजील दिया है, लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के कौम के कहानी अल्लाह ने बताया। ईसा कौम जो है सवाल कर रहे हैं कि अगर तू आसमां से नाजिल करेगा हम लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना, खांचा में अच्छा अच्छा खांचा नहीं, प्लेट नहीं, खांचा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खाना उसमें बेहतरीन तरीके से आवे और हम लोग खाए, रोज़ के रोज़ आए, हम लोग खाए, हम लोग बड़ा आदमी रहे, यही हम लोग का ईद। ईसा अलैहिस्सलाम कहे उनसे खौफ करो अल्लाह से अगर तुम मोमिन हो, अगर मोमिन हो तो खौफ करो, ऐसा अल्लाह का सौदेबाजी करना ठीक बात नहीं होता। लेकिन वो लोग तो वही ठहरे कि सौदेबाजी करने वाले ठहरे, उन्हीं कौम है तो ऐसा ही है। जिस वक्त के कहावारियों ने आदे मुहम्मद, जिस वक्त के कहावारियों ने याई सब न मरियमा, याई सब न मरियमा, ऐसा बेटे मरियमा के, ऐसा बेटे मरियमा के, हल यस्ततियो रब्बो का, हल यस्ततियो रब्बो का, क्या कर सकता है रब तेरा ईसा, क्या कर सकता है रब तेरा, अयोना जिला लयना, अयोना जिला लयना, ये के नाजिल करे ऊपर हमारे ईसा, ये के नाजिल करे ऊपर हमारे, मायदतम मेरा समाए, मायदतम मेरा समाए, खानचा आसमान से आदिर ईसा, खानचा आसमान से, वतकुल्ला खौफ करो अल्लाह, अल्लाह से खौफ को डरो। काला कहा, काला तकुल्लाह कहा, खौफ करो अल्लाह से, इन कुंतुम मोमिन, अगर हो तो ईमान वाले, अगर ईमान वाले हो तो खौफ करो अल्लाह से। ये उसके मन में तक खौफ रही था, कहा ईसा अलैहिस्सलाम जो है नूर है, आला नूर नहीं, नूर है आला नूर नहीं है, अगर नहीं करते तो मानते भी नहीं, अगर आसमान पर खांचा अगर नाजिल नहीं करते तो हवारी के कौम जो है मानता भी नहीं। ये कहा हवारियों ने, जिस वक्त कहा हवारियों ने या ईसा अपना बेटे, या ईसा अपना मरियम, आए ईसा बेटे मरियम के रे, रब का क्या कर सकता है रब तेरा, रब तेरा क्या कर सकता है, इसका मतलब कि अल्लाह को जो है उंगली करना होगा, किसी बहाने हमको मिल जावे, किसी बहाने हम ले लेवे, क्या कर सकता है रब तेरा, हलिया सती रब का क्या कर सकता है रब तेरा, अरे नाजिला अलैहिदा, ये के नाजिल करे ऊपर हमारे, माँ जदा मेरा समाए, खांचा आसमान से, आसमान से खांचा नाजिल करे और उसमें हम लोग उसमें से खाए पिए फूले फले, हम लोग अदील इत्मीनान पकड़े, हम लोग आराम से रहे, ये है इरादा किया। और हम लोगों का इरादा जो है, हम लोगों का ईद मुबारक, हम लोगों का इरादा अल्लाह ताला ने मोहम्मद के इरादा के साथ जोड़ के रखा, हम लोग मोहम्मद के इरादा के साथ हम लोग अपना इरादा को जोड़ के रखते हैं। मोहम्मद ने क्या किया है, मोहम्मद रसूल नबी ने क्या किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, हुजूर पाक ने क्या किया है, ये हम लोग को देखना है। क्या आप ईद में क्या चीज मंगवाए, आप ईद में क्या चीज मंगवाए हम लोगों के लिए, उम्मतों के लिए, ये चीज हम लोग को देखना है। हम लोग ये देख रहा है कि आप सब नबी क्या मंगाए हैं, हम लोगों के नबी क्या चीज मंगाए हैं। खुले बिरासी नंबर आए,
असहाबे कबूर कबर वालों को अल्लाह ने कहा, कबर वालों को अल्लाह ने कहा उठ के आकर दरबार में बैठ जाना, जहां मोहम्मद के दरबार हो वहां आकर बैठ जाना, ऐ नबियो कबर से उठ जाना और आकर दरबार में बैठ जाना। जहां मोहम्मद का ईद दिखलाई देगा, जिस मुकाम में मोहम्मद का ईद दिखलाई देगा वहां झमेला रखा हुआ है। मोहम्मद का जो ईद है, मोहम्मद नबी का जो ईद है, जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? अली के सूरज की तरफ नजर करना। जब जब हजरत अली की तरफ नजर करते मोहम्मद सल्लम, तब तक उनका ईद ईद उल फित्र नजर में आता। इधर ले अव्वल है ना वो आखिर ना, इधर ले अव्वल है ना वो आखिर ना, ईद अव्वल हमारा और आखिर हमारा। ईद अव्वल को देखते और ईद आखिर को देखते, उनमें इमाम हसन इमाम हुसैन के आने की खबर देखते। इधर ले अव्वल है ना और आखिर है ना, सुबह तो झमेला रखा हुआ है। तमाम सहाबी लोग एक तरफ है और अली का चेहरा एक तरफ है, तब तो फसाद रखा हुआ। दूसरी पड़े पर अल्लाह ने हर नबियों से अल्लाह ने कहा, जितने भी नबी हैं सभी से अल्लाह ने वादा किया, जब मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, जब ईद मनाएंगे, जब मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे ईद मनाएंगे, आप लोग सब आइएगा, आप लोग मेल मिलाप करके आप लोग सब उठ के आ जाइएगा। जहां लोग कहेंगे कि मुर्दा नहीं उठ सकते हैं, आप लोग उठ जाइएगा, आप लोग उठ के आके मोहम्मद के जमात में बैठ जाइएगा। आदम अलैहि सलाम, दाऊद अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम, सब हुक्म कर दिया गया कि आप लोग कब्र से उठ जाइएगा, उठ के जो है मोहम्मद के दरबार में आके हाजिर हो जाइएगा। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ गौर कीजिएगा जी, इसमें तमाम नबियों का भी हयात है। और जिस वक्त के अहद लिया अल्लाह ने नबियों का दे मुहम्मद, और जिस वक्त के अहद लिया अल्लाह ने तमाम नबियों का, नबी ना तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का, तमाम पैगंबर का अल्लाह ने अहद लिया। और लमा तातीकुम के जो कुछ के मैं तुमको दूं, मीन किताबी किताब से और हिकमत तीन और हिकमत से, किताब में उसका नाम हमने दे दिया है। वाकई ना दाऊद जबूर दिया हमने, जो दाऊद को जबूर तो उसमें वो नाम था। वाकई ना इंजील अदा किया हमने, इंजील उसमें वो था, वो नाम लिखा हुआ था, नबी का भी नाम लिखा हुआ था और नबी के ईद मुबारक भी लिखा हुआ था कि जब जब अली के चेहरा में वो देखेंगे उनको ईद मुबारक नजर में आएगा। आप लोग आइएगा, आप लोग हाजिर रहिएगा। वही रखा अल्लाह मिसाकर नबीना, जिस वक्त अहद लिया अल्लाह, अहद लिया अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने अहद ले लिया कि जो कुछ के मैं तुमको दूंगा, मैं किताब 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 से वही मत और जो हिकमत से, किताब और हिकमत दोनों के साथ हमने जो है अहद लिया है। और सुम्मा जाकुम रसूलुम फिर आवेंगे तुम्हारे पास एक रसूल, आगे नबियों एक रसूल आवेंगे, मुसद्दिक सच्चा करने वाला,
और लेमा वास्ते उस चीज के अल्लाह ताला के महाकुम के साथ तुम्हारे है और ला तू मेनुना बेही के तुम लोग जो है उसके साथ दोगे वतन सुरना और मदद दोगे। जब एक रसूल आवेगे 1400 हिजरी में एक रसूल आवेगे तो 400 करोड़ साल पहले आया आदम तो उठ जाना और उठ के उसके दरबार में आके बैठ जाना। अय्यूब अलैहिस्सलाम तुम जो है 5000 साल पहले उठना और उठ के आके बैठ जाना। अय इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम 4000 साल पहले जो है उठना उठ के आके बैठ जाना। अय जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम सब आप लोग आइए और आके जो है बैठिए। मोहम्मद ईद मनाएंगे, ईद मुबारक में अगर कोई ना हो आप लोग आए खड़ा हो जाइएगा। वही जखब अल्लाह निशाकर नबी ना जिस वक्त तक अहद लिया था अल्लाह ताला नबियों से कि कब्र से उठ के आइएगा और आकर यहां पर मोहम्मद के मजलिस में आकर बैठ जाइएगा। मोहम्मद ईद देखेंगे, मोहम्मद ईद देखेंगे आप लोग जमात देखिएगा, मोहम्मद रहमत लिल आलमीन ईद देखेंगे आप लोग उठ के आके बैठ जाइएगा। जो भाई लोग कहते हैं ना कि जो मर गए कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत अजी हम कहते हैं कि गहवरी साहब के हमीर साहब के मुरीद लोग भी उठ के आके दरबार गहवरी में बैठे हुए रहते हैं। ये क्या है? ये अल्लाह ताला का वादा है। जब नबियों को उठा सकता है उठा के लाकर हाजिर करा सकता है तो हम लोग काम अपनी है। हम लोग जब बोलेगा तब जो उठ के लाकर हाजिर होने होगा। धान काटने का गहमरे साहब पास आदमी नहीं है, गहमरे साहब आदमी बुला लिए, कहां से आदमी आया है और कहां गया कोई खबर नहीं है। आज तक कोई खबर पता लगा नहीं सका कहां से आया कहां गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि आने वाले वक्त में करोड़ों साल बाद लाखों साल बाद हजारों साल बाद एक नबी ऐसे आने वाले हैं जिसके तुम लोग साथ देना। और काला अकरार तुम क्या इकरार किया तुमने? तुम क्या इकरार कर लिया है? क्या अहद दे लिया है? अहद को कबूल कर लिया है जो हम अहद दे रहे हैं? क्या तुमने इकरार किया? और अल्लाह जालकुम ऊपर इस बात के इसी बड़ा हक मेरा बड़ा हक इकरार कर लिया। काला अकरना कहा तमाम नबियों ने इकरार किया। हमने हम लोग आए गए मोहम्मद के मजलिस होगा, ईद मिलाद ईद उल फितर होगा और ईद उल फितर में जब जब आप अली के तरफ नजर करके रहिएगा हम लोग आए गए। काला अकरना कहा हमने इकरार किया। तो ये जो बात है कि मुर्दा नबियों से अल्लाह ताला अहद कर रहा है, मुर्दा नबियों से अल्लाह अहद कर रहा है जिंदा होके या मुर्दा ही सही, जिंदा कह लीजिए या मुर्दा ही सही, कहा आ रहे हैं मोहम्मद के ईद मुबारक में आ रहे हैं, मोहम्मद के ईद मुबारक में आके और ईद मना रहे हैं और मोहम्मद के ईद में आके पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम नबियों का आना नहीं दिखाई दे रहा है और मोहम्मद नबी के आना खुदा का आना दिखाई दे रहा है। किसने मोहम्मद के नाम के बाद जो है किबला लगाया है? किसने मोहम्मद को कहा है कि हुजूर किबला? कोई है ऐसा कहने वाला? कोई नहीं है। जैसे अल्लाह के बाद जो है रहमत नहीं लगता, रहमत अल्लाह का नाम नहीं है, वैसा किबला जो है नबी के नाम नहीं है।
हुजूर किबला जो है वो रबी के नाम नहीं है, वो अली के नाम है। हुजूर पाक कह लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लीजिए, सब कह लीजिए, हुजूर किबला आप कह सकते हैं। हुजूर किबला वो जो अली का नाम है, जिसका जो दर्जा है उसको देने होगा। इबलीस तो सजदा नहीं किया, इबलीस तो 6 लाख साल इबादत किया, आदम को सजदा नहीं किया। तो कारण मेरा जीन में वो था, जीनों में से अल्लाह उसको निकाल बाहर कर दिया, फेंक दिया बाहर, हट, हमको दरकार नहीं है, बेपरवाह है जी अल्लाह। करोड़ों मुरीदों से नबी लोग बेहतर है कि उनके ईद में, ईद उल फितर में ईद मनाए। ईद ईद इमाम हसन, ईद इमाम हुसैन, ऐसा इमाम अगर पकड़ में आ जावे बेशक अव्वल आखिर ईद हम लोग का पूरा हो जाने वाला। ईद अव्वल रहना वाला आखिर रहना, ईद अव्वल हमारा, ईद आखिर हमारा, ईद मोती हमारा, ईद मूंगा हमारा। और कैसे 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 काला कहा फस हदू, बस गवाही दो, वाना महाकुम मिना साहिदी, पर गवाही दो आकर, पर गवाही दो उस वक्त से आकर, इस वक्त में आकर गवाही दो, उस वक्त से मोहम्मद के वक्त में आकर गवाही दो, जब मोहम्मद की बादशाहियत चले, जब रसूल नबी लोग आए, और रसूल नबी लोग जब घूरा घूरी करे, जब रसूल नबी लोग जब बयान करे, तब उस वक्त में आकर कहो, उस वक्त में आकर गवाही दो, उस वक्त में आकर तुम गवाही दो। कहते कहते काला कहा, काला था साधु, काला कहा गवाही दो, आओ वारा और मैं आपको साथ तुम्हारे साहिदीन गवाहों से रहूंगा। अरे नबी जब तुम गवाह दोगे, अरे नबियों जब तुम लोग सब मिल के गवाह दोगे, ईद उल फितर में आके हाजिर रहे, मोहम्मद के जो ईद मुबारक है, मोहम्मद का ईद उल फितर जो है अली का तरफ है, मोती और मूंगा दिखलाई दे रहा है, ईद अल आखिर ना, तो मैं भी गवाही देने के लिए आके हाजिर हो जाऊंगा। मेरा साहिदीन गवाहों से मैं भी रहूंगा, मैं भी गवाही से रहूंगा। नबी इब्राहिम अलैहि सलाम भी गवाही देंगे, इब्राहिम अलैहि सलाम गवाही देंगे कि मैं तमाम दुनिया का इमाम दिखलाई दे रहा हूं, और मौला अली एक ऐसे इमाम दिखलाई दे रहे हैं, एक ऐसे इमाम दिखलाई दे रहे हैं जिनके पीठ से अव्वल ईद और आखिर ईद निकलने वाला है। इब्राहिम अलैहि सलाम कहेगा, अल्लाह ने कहा कि तुम गवाही दो और मैं भी गवाही दूंगा पीछे से, तुम पहले गवाही दो। कहते कहते काला कहा फसहदू पर गवाही दो, वाना महाकुम मिना साहिदी, वाना और मैं महाकुम साथ तुम्हारे, वाना और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन महाकुम साथ तुम्हारे, मेरा साहिदीन गवाहों से रहूंगा। इसलिए हम साहब कह रहे थे जब तमाम नबी आ गए हैं, जब तमाम मुर्शिद आ गए हैं, जब तमाम नबी आ गए हैं, जब तमाम रसूल आ गए हैं, तब अल्लाह ताला भी आ गया है, इस जात में अल्लाह ताला भी आकर हाजिर है। ऐसे नहीं कहते थे, उनका हर एक बात ही कुरान के आयत है। लोग उसको बातें समझते होंगे, बातें करते थे कि मुरीद से बात की है, नहीं कुरान पढ़े हैं। उनका दौर ही कुछ अलग था, उनका कलाम ही कुछ अलग था। वो दुनिया में मिल नहीं खाएगा, दुनिया के लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, वो आखिरत के लोगों के लिए बने हुए हैं, वो हैरत अली के लिए बने हुए हैं, वो मोहरों के मजलिस कायम करने के लिए बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनको अलग दर्जा दे के रखा है। वही अल्लाह मिसाकर नबी ना, जिस वक्त कहा गया अल्लाह ताला नबियों का दूसरे बड़े कारण बड़ी साई सुल्तान नसीब अल्लाह।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम तकबीर करेंगे, आप लोग या अली कहिएगा। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। वसलामुन अला मुरसलीन, पढ़ते बैठिए। वसलामुन अला मुरसलीन, वसलामुन अला मुरसलीन, वसलामुन अला गरुल्ला से मदद नहीं मांग सकते हैं, और या कहना ये भी शिर्क है, अल्लाह का सिवा या नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने जब कहा कि या अय्युह नासु ऐ इंसान, तो अल्लाह ने शिर्क कर दिया। या अय्युह मुजम्मिल, तो अल्लाह शिर्क कर दिया। या अय्युह मुदस्सिर, तो अल्लाह शिर्क कर दिया। या अय्युह नासु बदू, जब कहा तो अल्लाह शिर्क कर दिया। या अय्युह लजीना आमनू, जब कहा तो अल्लाह शिर्क कर दिया। या साहबुल कुबूर, जब कहा तो अल्लाह शिर्क कर दिया। या उली अम्र मिनकुम, जब कहा तो अल्लाह ने शिर्क कर दिया। या अहलल बैत, जब अल्लाह ने कहा तो, जब कहा तब अल्लाह ने शिर्क कर दिया। पूरा कुरान ही शिर्क है। जब अल्लाह शिर्क करवा रहा है तो हम काहे शिर्क करेंगे। चले थे पत्थर से इबादत को हटाने के लिए, और काबा शरीफ किबला बना के अल्लाह ताला बैठा दिया पत्थर को, जो है करो पत्थर की तरह मुंह करो और जो है करके सौदा करो। पत्थर नहीं था, वो पत्थर नहीं है, बल्कि वो मौला अली करीमुल्ला वजूद दिखलाए दे रहे। हम लोग का पहुंच तो नबी साहब तक नहीं है, लेकिन हम लोग का पहुंच मौला अली तक है। उनको देख लेना ही किबला को देख लेना है। वही हुजूर है, वही सुल्तानुल आरिफीन है, सब बड़ों का बड़ा है, सब रहबरों का रहबर है, सब मार्फती बाबा का वो मार्फक है, सब हादी का वही हिदायत करने वाले हैं, सब इमामों का इमाम है, यहां तक इमाम हसन इमाम हुसैन का भी इमाम दिखला दे। अल्लाह ने उनको दर्जा दिया। जब सबकी नजर मोहम्मद पर टिकी हुई है, तो मोहम्मद की नजर जो है हजरत अली पर जो है दिख रहा है। हजरत अली जंग में नहीं जाएगा, हजरत अली मोहम्मद के साथ में रहेगा। कहा है कि तो कभी नबी साहब का तबीयत खराब है, कभी अली का तबीयत खराब है, झूठा बात बहाना है। जितनी देरी तक अली जो है बगल में खड़े रहेंगे, उतना देरी तक जो है मोहम्मद के पहचान बयान होगा। इस्लाम फैलाने के लिए मददगार जो है अल्लाह ताला ही था, मददगार अल्लाह ताला ही था। लेकिन अल्लाह ताला कहा कि तू मददगार चाहता है कि दुआ मांग, हम मददगार भेजेंगे।
वजली और वास्ते मेरे मिलदुन्ना अपने नजदीक से सुल्तान नसीरा सल्तनत करने वाला मददगार मददगार मदद रही मददगार सुल्तान नसीरा सल्तनत करने वाला मददगार। किसके जुबान में वो ताकत है, किसके जुबान में वो ताकत है जो ईद अव्वल और ईद आखिर लाकर हजी कर दे। ईसा अलैहि सलाम के मुंह में ताकत है कि ईसा अलैहि सलाम आसमान से खर्चा मंगाए, काला ईसा बिन मरियम अल्लाहुम्मा, कहा ईसा बेटे ने क्या अल्लाह रबना आयना हमारे अंजी अलैना नाजिल कर ऊपर हमारे माँ यदा मेरा समाय खांचा आसमान से तब उनके हो रहना वापस हमारे ईदल ले अव्वल रहना व आखिर रहना ईदल ले अव्वल रहना व आखिर रहना ईद अव्वल हमारा और ईद आखिर हमारा तब उनके हो रहना वास्ते हमारे तब उनके हो रहना वास्ते हमारे ईद अव्वल रहना व आखिर रहना। और मोहम्मद का ईद जो है मोहम्मद का ईद अल्लाह ताला जो है मौला अली करीमुल्ला वजू को भेज के अल्लाह ताला पूरा किया। काबा किबला घर बना ही हुआ है इसीलिए ताकि उसमें उस घर में सुल्तान नसीरा आके हाजिर हो, आज सुल्तान नसीरा को हम लोग देखे, सुल्तान नसीरा को हम लोग पहचाने, सुल्तान नसीरा को हम लोग चाहे और हम लोग अपना नमाज को कबूल कर ले। काबा शरीफ में आप आए, हजरत अली काबा शरीफ में आए, सुल्तान नसीरा काबा शरीफ में आए और हर बड़ों का बड़ा है, हर सरवरों का सरवर है, हर रहनुमाओं का रहनुमा है कि सबकी नजर जो है सबके साथ है और अली के नजर जो है वो मोहम्मद के साथ दिखलाई दे रहा है। ये हम लोग का ईद है, मोहम्मद का ईद ही हम लोग का ईद मुबारक है, मोहम्मद का ईद उल फित्र ही हम लोग का ईद उल फित्र है। हम लोग के लिए जमीन 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 आसमान इंसान के लिए जमीन आसमान बनना तैयार होना ये ईद दिखलाई दे रहा है, कुरान शरीफ नाजिल होना ये ईद दिखलाई दे रहा है और मोहम्मद के लिए जिंदा कुरान नाजिल हो जाना ये ईद दिखलाई दे रहा है, जिंदा कुरान आकर हाजिर हो गए। वकुर रब्बे अल्लाह ने कहा वकुर रब्बे कहो वकुर रब्बे और जो है कहो है मोहम्मद वकुर रब्बे का आयरा हमारे अदखिली दाखिल कर मुदखला सिद्दकी दाखिल करना सच्चाई का सच्चा का एकदम सच्चा जो है दाखिल कर वकरीजनी और निकाल मुझको मुख राजा सिद्दकी निकालना सच्चाई में और वजली अरकर वास्ते मेरे मिलतुन का नजदीक अपने से सुल्तान नसीरा सल्तनत करने वाला मददगार। देख रहे हैं खैबर के जंग हो रहा है, अली एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं तो अली से पूछा गया कि बाद दिन आप उसको हिला भी नहीं पा रहे हैं, क्या बात है? बोले वो मोहम्मद के रजामंदी दिखलाई दे रहा था, अगर वो कह दे तो अल्लाह के अरब मिला के हम हाजिर कर दे। लोग घबरा गए, अल्लाह करा था बोले हाँ अल्लाह करा था। मोहम्मद कहते हैं कि हमको देखना ही ईद मुबारक है, हमको देखना ही ईद मुबारक देख रहा है, अगर मोहम्मद के खुशी अगर ना हम दे पाएंगे तो ऐसा जिंदगी हमारा बेकार है। हमको अल्लाह पैदा ही किया है मोहम्मद के खुशी के लिए और जब तक हम इस जमीन में रहेंगे हमारा खून रहेगा मोहम्मद का तारीफ और बयान ही होता रहेगा। लोग मियां शरीफ में आते रहेंगे पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तभी पढ़िए Allah, 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 All
भी अल्लाह ताला एक ईद ईद का जो है चेहरा नाजिल किया था, हम लोग भी जो है लिए जो है नाजिल किया था, वो चेहरा है हमी फरहार हमारी, हम लोग के लिए भी अल्लाह जो है नाजिल किया था। ईसा अलैहि सलाम के टाइम में, ईसा अलैहि सलाम के टाइम में ईसा अलैहि सलाम दुआ मांग रहे थे तो हमारा कौन भाग जाएगा। काल ईसा मरियम अल्लाह हुमा का ईसा बेटे अल्लाह अंजीर अलैहिदा नाजिल कर ऊपर हमारे माँ यदम मेरा समाये खान खांचा आसमान से तकुनु के हो लाना वापे हमारे ईद अल अव्वल ना व आखिर ना, ईद अव्वल हमारा और आखिर हमारा। जिस सिलसिला में अल्लाह ताला हम लोग को चला रहा है वो सिलसिला भी कुछ कम नहीं है। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने भेज दिया जहां जहां दो दरिया मिल रहा है, जिस मुकाम में दो दरिया मिल रहा है वहां पर जो है खिजर अलैहि सलाम बैठे हुए हैं। आज जहां इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहि सलाम मिल रहे हैं वो जगह पियाने पीर दस्तगीर का दिखलाई दे रहा है। और हम सब कहते हैं बहुत गौर से कुरान शरीफ सुनना है, बहुत गौर से कुरान शरीफ सुनना है कि बगदाद शरीफ में वो सोए हुए हैं और हजरात शरीफ में वो बैठे हुए हैं। हम लोग आवाज पे भी एक ईद है, ईद अव्वल और आखिर, ईद अव्वल हमारा और आखिरी हमारा। अमीरी अल्लाह ताला ने सूफी अजान काशी के पास से दिया और फकीरी अल्लाह ताला ने फरवाह गहमरी का मिलाया, आप दोनों मिला के हमी फरवाह गहमरी में अल्लाह ने डाल दिया। ईद अव्वल लेना वल आखिर लेना, अमीरी अल्लाह ने दिया उसको, बड़ी शरी अल्लाह ने उसके हाथ में जो है, अल्लाह ताला ने उसके हाथ में सूफी अजान काशी का बड़ी शरी दिया और उनके मुंह में उनके पगड़ी में मोहम्मद का फकीरी लाकर दे दिया। लोग हैरान है परेशान है क्या होगा। एक टाइम था ऐसा था कि अभी के टाइम में जितना जल्दी जो है लोग भाग सके घर में भाग सके बेहतर है। एक टाइम ऐसा था कि ईद ईद बकरीद और इतवार के टाइम में कोई अगर आएगा घर का आदमी तो वो मिल नहीं पाएगा, उससे मिल नहीं पाएगा, बोले वो तो चल गया है, वो हथियार में होगा, वो यहाँ है नहीं, वो जो दरबार में चल गया, बल्कि दरबार में नहीं दिया है, वो अपना ईद अव्वल और ईद आखिर मनाने के लिए दिया है। हर इतवार को ईद मना रहा है, मुरीद लोग हमी साहब का चेहरा देख के हर इतवार को ईद मना रहे हैं। ईद अव्वल ना और आखिर ना, ईद अव्वल हमारा और आखिर हमारा, हम लोग के लिए भी एक ईद है, नबी मोहम्मद के लिए भी एक ईद है, हम लोग के लिए भी एक ईद है। ईद अव्वल ना और आखिर ना, और कहते 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 वकुल जाल हक को, कहते वकुल जाल हक को, जब और जब आ जावे हक, वकुल जाल हक को और जब हक आ जावे वो जहकल बातिल और बातिल हो जाता है, गुम 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 हो जाता है बातिल, वो जहकल बातिल गुम हो जाता है बातिल। इन्नल बातिल काना जहू का, इन्नल बातिल काना जहू का, तहकीक हक समने बातिल गुम हो जाने वाला है। अरे मुरीदो हक के सामने बातिल गुम हो जाने वाला है। हमी फरवाह हमरी का जो पढ़ाई था पढ़ाई तो बहुत दूर के बात है, जो चेहरा था, चेहरा अगर दिख जावे तो किसी का चेहरा ख्याल ही नहीं आवे। इसका मतलब यह है कि उनका जो चेहरा हक जो समझ में आ जाता था तो वह जाकर और सब बातिल जो है गुम हो जाता था, कान जो सुन रहा था आवाज को तो तमाम आवाज गुम हो जाते थे और सिर्फ हमिद ही हमें समझ में आता था। वह जाकर बातिल और गुम हो जाता था, बातिल गुम हो जाता था, बातिल का हुआ पर कोई जोर नहीं है, जो आवाज है जो कान है वो लगा हुआ है कि हम फलवा का भाई क्या पढ़ रहे हैं। वह जाकर बातिल और जो है वहां पर बातिल गुम हो जाता था। इन्नल बातिल अकाना जहू का, ताकि बातिल है गुम हो जाने वाला, बाकी जो है गुम ही हो जाएगा। और हम इस तरह आगे फिर से एक बार पास ही पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
देवा शरीफ में हजरत वारिस पाक वो अपना घर बैठे ही मदीना में नमाज पढ़ रहे, अपने घर में बैठे ही मदीना में नमाज पढ़ रहे। हमी साहब को लोग आया कहा कि जुम्मा के दिन तो हफ्तावारी है, आप इतवार के दिन आप कर रहे हैं, ये कौन आपको जो है ऑर्डर दिया है, कैसे आप चला रहे हैं, कैसे इस्लाम का जो है आप निजाम को चला रहे हैं, किस तरीका से आप चला रहे हैं। तो हम साहब कहते हैं इस्लाम के निजाम हम किस तरीका से चलाते हैं, सुनिए जी। अब आप जो है कितना बयान किए हैं, कितना बयान किए हैं, मतलब हम काफी सारे बयान किए हैं, हम मुख्तलिफ जगहों में बयान किए हैं, तरह तरह के हम जगह में बयान किए हैं। और बताइए कितने जगह होगा, भला हजारों जगह हो जाएगा, फिर कितने पीछे आपका आदमी फरिश्ता का तरह एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। हम यहाँ घर में बैठे हुए रहते हैं, करोड़ों आदमी हमारा पास आता है। मोहम्मद के फकीरी को लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं। देवा शरीफ में वो नमाज पढ़ने के लिए वो जाते थे काबा शरीफ में, और काबा शरीफ हमारे यहाँ आके हाजिर है। लोग आते हैं इतवार के दिन आते हैं और हम उसको ईद दिखाते हैं, ईद अल अउल रहना और आख रहना। हम उसको जो है शाम को जो है ईद दिखलाते हैं अव्वल, और रात को जो है जब मजलिस करते हैं तो ईद दिखलाते हैं आखिर। ईद अल अउल रहना, वहां एक जगह हम बैठे हुए रहते हैं, यही हमारा ताकत, जाइए जाकर तोड़ सकते हैं तो तोड़ के दिखलाइए। अल्लाह ने हमको इस जमीन में गड़ कर रखा है, तो ऐसी टूट के बिखर जाएगा जी। जिसको अल्लाह आदम को अल्लाह ने अपना हाथ से बनाया तो फरिश्तों के ऊपर सजदा जायज हो गया। अरिस अली को अल्लाह ताला ने दो हाथों से अपना दो हाथों से इस जमीन में गड़ कर रखा है, इसको कोई डायनामाइट जो कोई फाड़ नहीं सकता है, कोई तबाह नहीं कर सकता। वाला जे बाला रसा और पहाड़ों को गाड़ दिया है मैंने उसको। वैसे ही अल्लाह ताला ने हमीद फरमा कर हमारी को गाड़ दिया, उठाई नहीं सकते जी। तलवार निकाल रहा है तलवार गायब हो जाना, मियां से तलवार निकाल रहा है तलवार गायब हो जाना है। मुरीदों का ईद जो है वो पूरा होने का अब जो कसम खाया है कि हम बैठे हुए रहते हैं, हम अपना मुरीदों को ईद अव्वल और आखिर दिखलाते हैं। अल्लाह ताला उस बात को पूरा किया। अली का आना तो नहीं हुआ है जी, अली हर वक्त में आ रहे हैं, बस पहचानने की देर है। जिस दिन पहचान लीजिएगा उस दिन जो है उसके सामने कलमा ही पढ़ लीजिएगा, देर मत कीजिएगा जी। उनके शकल ही में मोहम्मद का शकल दिखलाया था, और मोहम्मद के शकल में तो अल्लाह का शकल पूरा है, कोई बाकी नहीं है। रंग रूप में कोई बाकी नहीं है, नाक रक्षा में कोई बाकी नहीं है। जिस दिन अली का चेहरा किसी मुस्जिद में नजर में आ जाए उस दिन मोहम्मद के नाम में कलमा पढ़ लीजिएगा। शोरगोल करने की दरकार नहीं है, मोहम्मद ने शोरगोल नहीं किया है। ये तो मीठा चीज जो है तीता हो जाएगा, तो मीठा चीज जो है तीता हो जाएगा। दरख्त को फाड़ देने से दरख्त मर जाएगा जी, और दरख्त अगर सिमटा हुआ रहे तो वो बढ़ता रहेगा, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, उसका कटने के बाद भी आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फट जाए वो जो अपने आप को अगर फाड़ देवे तो सब तो जो निकल गया कुछ, अब जो उससे कुछ बनेगा नहीं। जो अल्लाह आप लोगों को दिखलाए, जो अल्लाह आप लोगों को दिखलाए उस चीज को लोगों के सामने जाहिर मत कीजिएगा। लोग है ना, चोर है, फरेबाज है, फरेब देते हैं, जैसा जादूगर साबरी ने किया वैसा फरेब।
अभी सब कह गए हैं। अल्लाह ने आप लोगों को मूसा से बड़ा लाठी अल्लाह ने आप लोग पकड़ा दिया, फरवाह कहमरी का मोहब्बत आप लोगों को पकड़ा दिया। लेकिन हमारा बोलने का मतलब फरवाह कहमरी का मोहब्बत का रंग कैसा था, लंबाई चौड़ाई कितना है, दिखने में कैसा आ रहा है फरवाह कहमरी का मोहब्बत कैसा है, जब मूसा के आशा देखने में आ रहा है, खैरा ऐसा लाठी है, टेढ़ा ऐसा है, आठ फुट की लकड़ी है, तो ये आशा जो है हम लोग का जो आशा दिया गया है, हम लोग का जो आशा से भी बढ़कर हम लोग को दिया गया है फरवाह कहमरी का मोहब्बत, फरवाह कहमरी का ईद मुबारक, फरवाह कहमरी का ईद मुबारक जो हम लोग अता कर दिया गया है उसका रंग रूप कैसा है, कैसा नहीं बल्कि जैसा हमी फरवाह कहमरी है वैसा ही रंग दिखला दिया, कैसा वह क्या, जिसको पर्दा रख के बोलने के लिए आता है वो पर्दा को रखे। अल्लाह ने हमको औरत नहीं बनाया है कि घूंघट दे के हम बैर करें, अल्लाह ने हमको पीर बनाया है और पीर की औलाद ही बनाया है, बहुत बड़ा ताकत दे के हमको अल्लाह ने पैदा किया है और पीर का पोता भी बनाया है, बहुत बड़ा बादशाहत अल्लाह ने हमको दिया है। दुनिया में जितने भी सूफी लोग आए हैं वो रास्ता को चलाया है, वो रास्ता है, वो मंजिल तक पहुंचाए हैं, और हमीर साहब खुद ही एक मंजिल है। जो उन तक पहुंच गया वो मोहम्मद तक पहुंच गया, तो खुद ही एक मंजिल है। अल्लाह ने उसको इस जमाने में इमाम महदी अलैहि सलाम का खिताब दिया, इसलिए नहीं आए थे दरबार कहमरी में कुरान बयान बन हो जाए, बल्कि इसलिए आए थे कि दरबार कहमरी में कुरान बयान और बेहतर से हो।
उसका सिखाया गया जो कुरान बयान करने वाला हो वो बेहतरीन से कुरान बयान करे, बेखौफ बयान करे, उसके परिवार उसके खिलाफ हो जाए, उसके आल औलाद उसके खिलाफ हो जाए, उसके पास पैसा ना हो, उसके ऊपर इमाम हुसैन की तरह जो उसके ऊपर हमला होने लगे, फिर भी डट कर कुरान पढ़ेगा। ये हमीद साहब का जो है सिखाया हुआ तरीका है, इस तरीका में हम चल रहे हैं। अल्लाह हमको चला रहा है, सुलूक करवा रहा है, हम सुलूक कर रहे हैं, चल रहे हैं। मौला अली करीमुल्लाह वजहू नबी के लिए अर्ज लाने के लिए हाजिर थे और हम मोहम्मद को लाने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह ने हमको ताकत दिया है, हमारा कुरान पढ़ाई में ताकत है। ढूंढिए तलाशिए हम कहाँ से पढ़े हैं, अगर जगह अगर एड्रेस मिल जावे तो हमको टेलीग्राम कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिस मैदान पे अल्लाह ने हमको पढ़ाया है वो मैदान ऐमन वाला मैदान, ऐमन वाला मैदान में हमने फरवा कहमरी का तारीफ बयान करने के लिए ही अल्लाह हमको पैदा किया। जैसे लोग इनकी नहीं बोल सके, वो जमाना था चल गया, वो जमाना था चल गया, वो था एक कोई था पैसा वाला था ताकत वाला था बयान कर रहा था चल गया, इन्हीं बोल पाएगा, बिहार ऐसे ही होते रहेगा। जो सजर वो लगा के गए हैं वो सजर अभी भी हम जो है पानी ढाल रहे हैं, इंशाअल्लाह ढालते ही रहेगा। और आप लोग भी हमारा दामन को पकड़ लीजिए, हाथ को पकड़ लीजिए, ताकि आप लोग भी उसमें जो है शरीक हो जाए, उस गाद को जिंदा रखने में आप लोग भी शरीक हो जाए। वही फरवा फिर समय है, वही आसमान तक पहुंचा हुआ, जमीन भी गड़े हुए हैं और आसमान तक पहुंचे हुए हैं, जमीन में पहाड़ से ज्यादा गड़े हुए हैं और आसमान में अर्श से ज्यादा पहुंचे हुए हैं। अर्श भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है, और खुदा खालिक है, वो जो खुदा तक पहुंचा हुआ फरवा फिर समाए। हमारा फरवा बाप फरवा जो है वो आसमान तक पहुंचा हुआ है, उस मुकाम तक जहां जिस मुकाम से अल्लाह ताला ने इरादा किया कि हम जमीन में आने वाले हैं, उस मुकाम तक पहुंचा हुआ है। इसीलिए बारह हयात का बयान किया कि कैसे उस मुकाम से इस मुकाम तक उतर आया, यही हम लोग के लिए था। ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों का बड़ा बड़ा खांचा क्या ईद है जी, ईद वो चीज दिखलाई दे रहा है। नबी का हयात इसीलिए बयान किए हम, नबी का हयात हम इसीलिए बयान किए कि सूफी हमीद फरवा का हमारी साहिब भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहे। उससे आहद ले लिया था, उससे आहद ले लिया था कि आप जो है नबियों से आहद लिया था कि आप लोग आइएगा और जो है मदद कीजिएगा, और हमीद साहब से अल्लाह ताला आहद लिया है, सब आपका बच्चा है, आप सबके दिलों में जाइएगा और बयान आप ही करते रहिएगा। जैसे हमारे साहब जो हमीद साहब को बैठा कर रखते थे, बैठो मेरा बगल में बैठो, बाहर बयान करने जा सकता है, कमजोर है, बैठो, कमजोर है इसका बयान जो है कमजोर है। कमजोर करते 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 देखा गया वही हक नजर में आ गया, ऐसा छुपा के रखे थे, ऐसा जो है मोती मुंगा को छुपा के रखे थे कि किसी को भड़क तक नहीं जो है लगने दिए। जब मोती मुंगा खुला तो मोहम्मद इंसान नहीं नजर में आया बल्कि खुदा ही नजर में आया। बहुत लोगों को अपना मुरीदों को वलायत तक पहुंचा दी है, मुरीदों को जो है वलायत तक पहुंचा दी है। उनका बहुत सारा मुरीद जो है वली है, उनके 40,000 मुरीद वली है। जितना वक्त मोहम्मद की जमीन में बयान करने का था उतना ही वक्त हमीद साहब का था, आप बयान किए और चले गए। आपका अगर दर्जा अगर देखा जाए तो वारसुल नबी से एकदम बिल्कुल कम नहीं है, एकदम वारसुल नबी के बगल में तब भी बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए हैं। और वाक अहमदी के बगल में बैठना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठना एक ही बात है।
भाई जब आएंगे हम सवाल करेंगे, नहीं कर पाएंगे, सवाल करने का ताकत नहीं, हमारे सामने खड़े होने का ताकत नहीं है, तकबूर नहीं कर रहे हैं, तकबूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुदा के हमको हमारा ऊपर इनायत किया है और हमको इस जगह में हमको बैठा कर रखा है कि अगर कोई आवे तो उसको ऐसा जो है अपना आयत में जो है लपेटो, ऐसा आयत में जो है लपेटो जो आयत हम तुमको जिंदा दिए। सबको अल्लाह ताला जो है कागज कुरान दिया है, हमको अल्लाह ताला जिंदा कुरान दिया है, हमको जिंदा कुरान का अल्लाह वारिस बनाया है। सुन्ना और रसूल किताब लजीन सफाइना भी नवाजना, फिर वारिस किया हमने इस कुरान किताब का मन दो अपने में से जिसको मैंने पसंद किया। अल्लाह ने हमको कागज कुरान के हमको वारिस नहीं बनाया, हमको जिंदा कुरान का वारिस बनाया। अपने पीर को हम जिंदा देखते हैं और जिंदा कुरान मानते हैं, जो जो उसको अपना सीने से लगा लेंगे, हफ्तावारी में आते रहेंगे उनका इंशाअल्लाह, ईद मुबारक उनका अव्वल और आखिर होता रहेगा।